नमस्कार। पिछले दिनों एक मित्र ने फेसबुक पर कमेंट लिखा, घोर अनिश्चितता की स्थिति है। इस बार बागियों ने राजनीतिक दलों के सारे गणित बिगाड़ दिए। लेकिन क्या सचमुच ऐसा है? कम से कम मुझे ऐसा नहीं लगता। उसका कारण है, चुनावों में मध्य प्रदेश की जनता वर्षों से द्विदलीय चयन करती रही है। कभी छप्पर फाड़कर कांग्रेस की झोली भरी है, तो कभी भाजपा का दामन भर दिया है। ना तो यहां समाजवादी पार्टी जड़ें जमा पाई, जबकि पड़ोस में ही उत्तर प्रदेश है, और ना ही बसपा यहां कोई चमत्कार दिखा पाई। बावजूद इसके कि दोनों के पास जातीय आधार पर पर्याप्त वोट बैंक मध्य प्रदेश में है, लेकिन इसके बाद भी सत्ता का हिंडोला कभी भाजपा तो कभी कांग्रेस की ओर झूलता रहा। तो अब आइए बात करते हैं इस बार के चुनाव की। आज एक समाचार पत्र में प्रख्यात पत्रकार एन के सिंह जी का लेख पढ़ रहा था। उस लेख का लब्बोलुवाब था कि मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में भाजपा ने गजब की सेंध लगाई है। भूमिहीनों को एक एकड़ जमीन, विकलांगों को 300 रुपए की विकलांग पेंशन, 55 रुपए में बिजली, बच्चों की ड्रेस, दोपहर का खाना, निशुल्क पढ़ाई और लगभग मुफ्त के भाव 20 किलो गेहूं, 15 किलो चावल और 4 लीटर केरोसिन का तेल। प्रचार तंत्र ने आदिवासियों के गले यह भी उतार दिया है कि यह सब उन्हें फूल वाले मामा ने दिया है। एक ओर तो ये कल्याणकारी योजनाएं और दूसरी तरफ संघ प्रेरणा से चलने वाले वनवासी कल्याण परिषद, सरस्वती शिशु मंदिर और सेवा भारती जैसे संगठनों के सेवा कार्य। इस गहरी पेठ का कोई तोड़ कांग्रेस ढूंढ पाएगी, मुझे तो इसमें संदेह है। सवर्ण असंतोष की बात बड़े पैमाने पर की जाती रही थी। बड़ा शोर था कि इस बार सपाक्स लड़ेगी, कई धर्माचार्यों के कई सारी पार्टियां चुनाव मैदान में उतरेंगी और कोई बड़ा राजनीतिक परिवर्तन देखने को मिलेगा। लेकिन हुआ क्या? महज कुछ असंतुष्टों को दूसरे दलों के विद्रोहियों को थामकर अपनी नाम मात्र की उपस्थिति सपाक्स जैसी पार्टियां दिखा पा रही हैं। ऐसे असंतुष्टों की दम पर वह कितनी सफलता पाएंगे, यह महज शोध का विषय होगा चुनाव के बाद। जनता अपनी नाक कटाकर दूसरों का सगुन बिगाड़ने वाले इन विद्रोहियों को वोट देगी? क्या सचमुच देगी? अतः जनता को एक बार फिर से कांग्रेस और भाजपा में से ही किसी को चुनना पड़ेगा, ऐसा मेरे को लगता है। अब बुजुर्गों को तीर्थ दर्शन, करोड़ों रुपए के 2 महीने पहले ही माफ किए गए बिजली के बिल, सवर्ण गरीबों को भी महज 200 रुपए मासिक पर बिजली की उपलब्धता, ये कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिनके माध्यम से सरकार ने, भाजपा ने असंतोष को थामने की कोशिश की है। तो कांग्रेस का बिजली बिल हाफ का शिगुफा क्या कोई असर छोड़ पाएगा? पंजीकृत मजदूरों का जीवन बीमा, उनके बच्चों की निशुल्क पढ़ाई, प्राथमिक से लेकर पीएचडी तक, और इसमें कोई सामाजिक भेदभाव नहीं,
मजदूर किसी भी जाति का हो, लाडली लक्ष्मी योजना, सभी आवासहीनों के लिए आवास, ये कुछ ऐसे काम हैं जिनका लाभ व्यापक रूप से समाज के हर वर्ग के निर्धन तबके को मिला है। अब जिन्होंने लाभ लिया है, क्या वे सरकार को आशीर्वाद नहीं देंगे? जो ऐसा सोचते हैं वे स्वप्नलोक में रहते हैं और भारतीय जनमानस को समझते नहीं है। और फिर सबसे बड़ी भाजपा के पक्ष की बात, भाजपा के सबसे बड़े प्रचारक की। जी हां, आप ठीक समझे, राहुल जी की। पिछले दिनों उनका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वे प्रेस वालों से मुखातिब हैं और उसके उनके जो रोचक शब्द हैं वे बड़े मजेदार हैं। मैं उन्हें ज्यों का त्यों दोहरा रहा हूं। मैनिफेस्टो में सब बातें नहीं डाली जा सकती, ये तो आप समझते हैं, क्योंकि एक लिमिटेड फंड है, लिमिटेड पैसा है। लेकिन आप अगर उसको डाल देंगे तो हम आपको दे देंगे, कर देंगे। क्या अर्थ है इस वाक्य का? आपको कुछ पल्ले पड़ा? कम से कम मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया कि वो कहना क्या चाहते हैं, क्या कह रहे हैं। इसलिए राजदेव सरदेसाई जैसे पत्रकार को भी आखिरकार यह मानना पड़ा है मोदी जी और राहुल जी की तुलना करते हुए। राजदीप क्या कहते हैं सुनना पसंद करेंगे? राजनीति में सबसे आवश्यक तत्व है कम्युनिकेशन। एक ओर तो इस विषय का निष्णात पीएचडी है तो दूसरी ओर केजी पे पढ़ने वाला अबोध शिशु। आपको क्या लगता है जनता यह सब नहीं देखती है, यह सब नहीं सुन पा रही? जनता जानती है कि देश के लिए क्या ठीक है और क्या गलत, कौन योग्य है कौन अयोग्य। मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव परिणाम का असर देश की राजनीति पर भी पड़ने वाला है, पड़ेगा। यह मध्य प्रदेश का बच्चा बच्चा जानता है, समझता है। कोई नहीं चाहेगा कि मोदी जी का स्थान कोई मायावती ले, कोई ममता ले, कोई शरद पवार ले, या कोई अधकचरा हरदर हली दुंडे गोड़ा देवे गोड़ा जैसा व्यक्ति ले जिसका कि पहले कभी नाम भी नहीं सुना होगा। बेचारे राहुल जी की तो कोई बात ही नहीं करता, राहुल जी शायद स्वयं भी समझ चुके हैं और उनकी पार्टी के लोग तो अच्छी तरह जान ही चुके हैं कि कहीं कोई संभावना राहुल जी के बनने की नहीं है। और यही इकलौता कारण मध्य प्रदेश में भाजपा के सुनिश्चित विजय की आधारशिला बनेगा। जो असंतुष्ट थे भाजपा के, वे भाजपा छोड़कर अप्रासंगिक हो चुके हैं। भाजपा कार्यकर्ता उनके साथ जाने वाला नहीं है, यह इतिहास साक्षी है। अब जो शेष भाजपा है वह एकजुट है, लेकिन कांग्रेस आज भी नेताओं के अस्तित्व की लड़ाई से जूझ रही है। पर्सनैलिटी कल्ट, आपस की टकराहट, अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग। कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता सत्यव्रत चतुर्वेदी जी ने शायद इसीलिए कहा है कि कांग्रेस में सब भांग पीकर बैठे हैं। तो गुफरान आजम ने तो और भी ज्यादा मुखर होकर कहा है कि आप गधे को घोड़ा बनाकर रेस नहीं जीत सकते। ऐसी बात तो कोई भाजपाई भी नहीं कहेगा। इन पुराने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के उद्गार सुनकर, खलीफाओं के उद्गार सुनकर, मुझे तो चुनाव परिणाम को लेकर कहीं कोई शक सुबह है नहीं। आपकी आप जानो। क्या कहते हैं? नमस्कार।